दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल भले ही इन दिनों फिल्मों से दूर हो, लेकिन अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर वो अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रोवर्सी क्वीन होती जा रही हैं अमीषा पटेल। देखिए, जितनी भी बोल्ड तस्वीरें, बोल्ड वीडियोज वो डाल रही हैं, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ट्रोलिंग का शिकार भी वो हो जाती हैं। गाहे बगाहे लोग उनसे कहते हैं भाई फिल्मों में वो नज़र नहीं आ रही हैं, और इस तरह का अंदाज वो सोशल मीडिया पर दिखाकर वल्गैरिटी फैला रही है। बहरहाल, इसी बीच एक और कंट्रोवर्सी में अमीषा पटेल फंसती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, एक ऑडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो एलजेपी नेता प्रकाश चंद्रा के बारे में कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, और अपने इसी ऑडियो को लेकर हाल ही में एक न्यूज़ चैनल से भी अमीषा पटेल ने बात की है। अमीषा पटेल का दरअसल ये कहना है कि वो एलजेपी नेता प्रकाश चंद्रा के समर्थन में जनता के बीच में उतरी थी, बिहार की ज़मीन पर वो आई थी, उनके लिए प्रचार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उनको प्रकाश चंद्रा का कुछ और ही रवैया देखने को मिला। अमीषा पटेल कुछ इस तरह के आरोप लगा रही हैं कि उनको 3 घंटे के आसपास का प्रचार करना था, लेकिन उनको जबरन रोका गया। शाम की उनकी फ्लाइट थी, उनको मुंबई निकलना था, लेकिन वो निकल नहीं पाई। अमीषा पटेल ये कह रही हैं कि भाई एलजेपी नेता प्रकाश चंद्रा ने मुझे ज़बरदस्ती रोका, और मैं उस वक्त इतना डर गई थी कि मुझे लगा यहाँ पर मेरे साथ छेड़छाड़ हो सकती है, मेरे साथ रेप हो सकता है, और इतना ही नहीं, मेरी जान को पूरी तरीके से खतरा था। तो अमीषा पटेल ने न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा है वो एक बार मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। उन्होंने कहा, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैं एक मेहमान के तौर पर डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के यहाँ पर गई थी। वो बहुत खतरनाक इंसान है भाई, वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। उन्होंने मुझे और मेरी टीम को भी बुरी तरह से धमकाया और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, और यहाँ तक कि जब मैं बीती शाम मुंबई वापस आ गई तो उन्होंने मुझे धमकी भरे मैसेजेस किए, कॉल किए, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने इंस्टाग्राम पर मेरे लिए एक और वीडियो डालिए और मेरे लिए सम्मानपूर्वक बातें कहिए। तो कुल मिलाकर इस तरह के आरोप अमीषा पटेल ने लगाए हैं। और दूसरी तरफ प्रकाश चंद्रा का भी इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, अमीषा पटेल जिस तरह के आरोप लगा रही हैं सब बेबुनियाद हैं, दरअसल उनको बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत बुलाया गया था। वो कह रही हैं वो मेहमान बनकर आई थी, जबकि 10-15 लाख में डील फाइनल हुई थी कि आप यहाँ पर आएंगी और हमारे लिए प्रचार करेंगी। तो जो भी वो आरोप लगा रही हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। वो कह रही हैं कि उनकी जान को यहाँ पर खतरा था, जबकि यहाँ पर उन्हें इतनी ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। तो देखिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, अमीषा पटेल अपने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज में जरूर घिर गई है। इस पूरी खबर को लेकर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा।